गुड मॉर्निंग बाबा लोग, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर। आज के दिन की शुरुआत जो है वो भी सुबह के 6 बजे से हो रही है, बिकॉज आपको पता ही कि कल जो है कटिंग स्टार्ट कर दिया है, आज फिर जाना पड़ेगा। तो जस्ट उठा हूँ अभी, अपने हथियार वगैरह लेते हैं बाहर से और जाना पड़ेगा खेत को। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। आज उठी है ना? पानी ठीक है, दे दो, ले जाता हूँ। और अंजन भाई गुड मॉर्निंग, चले फिर? कन्फर्म नहीं अभी, मेले में जाएंगे यार 10 बजे के बाद। तो एक चीज बताना आपको भूल गया कि हमारे यहाँ पे पास वाले गांव में एक मेला भी है मंदिर में, तुम्हें भी हम वहाँ पे भी जा सकते। ये रहे मेरे हथियार और चाचा के लिए ले लिए मैंने चाय। चलो चलते हैं फिर खेत को। चल अंजन जल्दी। 7 बज रहे हैं एंड मैं रहे और अंजन ने अपनी साइड जो है पूरी की पूरी लगा दी। साइड हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं परात। हमने अपनी परात जो है वो साइड में लगा दिया। अभी बड़े पापा और चाचू जो है वो लगे हुए हैं, 15-20 मिनट में ये भी लगा देंगे। तो भाई लोग लगभग आधा खेत जो है वो कंप्लीट हो गया, उस साइड का बचा है। एंड यहाँ पे मम्मी पहुंच गए थे मेरे लिए खाना लेके, न्यूट्री एंड दही लेके आई मम्मी, तो खा लेते हैं खाना। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 10 एंड ये खेत कंप्लीट कर दिया हमने। अब मैं जा रहा हूँ घर को। घर जाके जो है फ्रेश वगैरह होके हमारे गाँव के पास एक मेला है, वहाँ पे मेले में जाएंगे। और मोस्टली हमारे यहाँ पे पूरे जो है गाँव वाले लग ही पड़े हैं कटाई करने। केश भाई, और भाई जाना नहीं घर को? बस थोड़ी सी रही यार, काट करके अभी हम ठीक है भाई जी, है ना। तो बाबा लोग अभी दोपहर के बज रहे हैं 11 एंड नहा के जो है मैं रेडी हो गया। मैं और अंजन जो है खाना वाना खा के निकल जाएंगे मेले को। तो बाबा लोग अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 एंड मैं और अंजन जो है अभी निकल रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से अपने लोकल मेलों में किसी भी मेले को अटेंड नहीं किया, मतलब लोकल क्या कहीं भी नहीं गया था मेले में। आज काफी टाइम बाद जो है मैं मेले में जा रहा हूँ, तो चलते हैं भाई लोग जल्दी जल्दी मेले में एंड करते हैं वहाँ पे एंजॉय। तो बाबा लोग आप पीछे देख सकते, मंदिर में पहुंच गया हूं और ये अपने भाई लोग पीछे। ले ले कुछ चाहिए तेरे को? बिंदिया ले ले, लगा ले, ले ले कुछ और चाहिए क्या? नहीं ले ले, लेना है तो। बाबा लोग अब हम खाने वाले हैं ये लच्छे, जल्दी जल्दी कर दो। हमने लच्छे जो है वो बन के हो गए तैयार, तो जल्दी जल्दी खाते हैं अब इनको। मजा आता वैसे बचपन की यादें थोड़ी, बचपन में कुछ ऐसे गिलासों में देते थे बट अभी के टाइम में कुछ कटोरी में दे रहे हैं डाल के। चलो करते हैं टेस्ट। तो बाबा लोग काफी टेस्टी है, मजा आ गया खा के, बहुत हार्ड। तो बाबा लोग काफी देर जो है मेले में घूम के पूरा एंजॉय किया, घर जाके दोबारा से सेम काम, कटिंग कटिंग कटिंग। बुरी हालत हो रही है यार इस गर्मी में। यहाँ पे मेला था तो मेले में घूम के थोड़ा अच्छा फील हुआ, तो चलो निकलते हैं घर को। बाबा लोग जस्ट अभी 5 बजे जो है घर में पहुंचा हूँ, दोबारा से मेरे को जाना पड़ेगा कटिंग पे। बज रहे हैं शाम के 5, चलते हैं जल्दी जल्दी चाचा ही करवाते हैं हेल्प। चाचा जो हैं पिछले 1 घंटे से लगे हुए हैं, गालियां भी देंगे मेरे को, वो क्या करें सुननी पड़ेगी, कॉल मेले के कारण हम आज वो लेट हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो बाबा लोग खेत में पहुंच गए और मम्मी भी थोड़ी देर बाद चाय लेके आएंगे, हमें हो जाएगा तब तक काम। आज कोई किसी नहीं मिलना था, रोटी भी नहीं मिलनी। अभी शाम के बज रहे हैं 7 एंड इस खेत को हमने कंप्लीट कर दिया। बड़े पापा चाचा एंड अंजन उस खेत में लगे हुए एंड मुझे जाना पड़ेगा खेत पे घास लाने। और ये पीछे बहन भाई की कितनी सेवा कर रही है, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग थोड़ी देर पहले जो है मैं घास लेके पहुंच गया था, अभी टाइम हो रहा है 7:30 एंड फ्रेश वगैरह होके पूरा रूम में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पहुंचा हूँ। आपको पता ही है कि गेहूं की कटिंग करके जो है क्या बुरी हालत होती है, जिन जिन्होंने किया होगा ये काम वो बंदे या भली भांति जानते हैं कि कैसा हाल होता है, हाथों में दर्द, पाओं में दर्द, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है कैसे घर का काम जो है वो कितना मुश्किल होता है। सैल्यूट टू
फार्मर्स जो इतनी मेहनत करके जो है वो गेहूं उगाते हैं, फिर उसके बाद जो काम होता है उसका, सीरियसली दिल से रिस्पेक्ट है फार्मर्स को। ना टाइम का पता ना धूप का पता, थक गया हूं मैं भी, कर लेता हूं भी रेस्ट थोड़ी देर। टाइम हो रहा है लगभग 9:30 के करीब एंड मैं कर रहा था वीडियो एडिटिंग, तो मम्मी ने अभी मेरे को बुलाया, बोला खाना खा ले, कॉज मम्मा भी फ्री होना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। आज एडिटिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा, तो खा लेते हैं खाना। मम्मी डाल दो खाना। तो बाबू लोग आज खाने में बनाए मूंगी की दाल एंड कड़ी, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेडू, काफी बंदे जानते होंगे। तो बाबू लोग खाना खा के मैं जस्ट हो गया अभी फ्री, अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 के करीब एंड अभी चलते हैं नीतू के पास। क्या कर रही नीतू? डांस करना स्टोर पे, ऐसी जगह पे डांस कौन करता है? वो सफाई कर रही, निकल सफाई कर रही, चल कर लो कर लो, थोड़ी देर बातें बूते करते आ जा। हाड़ है बहुत हाड़, बहुत हाड़, गलत सीन, गलत अच्छा मेरे को मारेगी, मेरे को भाई को कौन मारता है? अच्छा वैसे मम्मी मम्मी नहीं मारेगी मेरे को। और भाई लोग मम्मी यहाँ पे दूध लेके मेरे लिए आ गए, यहाँ पे आ जा। मैं ले आऊंगा यार तेरे लिए, डोंट वरी। ले दूंगा, कुछ नहीं बस लच्छे खाए थे और कुछ खास नहीं खाया, कुछ ज्यादा बस थोड़ा बहुत। आपके लिए सॉरी, कुछ भी लाया, जलेबी एंड पकोड़े लाने का दिल था मेरा, बट वो आपको पता ही है, तो आपको पता ही है तेरा दिन कुछ खाना नहीं है, तला हुआ, तो मैंने लेके आया कुछ भी। ये तो खाई लिया होना न्याने की माँ को। मैंने नहीं खाया कुछ ऐसा फ्राइड, लच्छे खाए थे और कुछ नहीं खाए, ऐसे घूमे थे इधर उधर थोड़ी देर के लिए, घर आके कटिंग भी करनी थी तो आपको पता ही है, जल्दी आना पड़ना था, टाइम तो था नहीं। चल मेरे कमरे के बाहर चल, हाँ मेरा ही कमरा है। अभी रात के बज रहे हैं 11 एंड एडिटिंग मैंने सारी की सारी कर दी है कंप्लीट। मम्मी भी अभी थोड़ी देर दूध वगैरह दिया मेरे को, दूध वगैरह पिया, उनके साथ थोड़ी बहुत बातें की, थक भी जाता हूँ आपको पता ही है कि रोज रोज सेम काम होता है, गेहूं की कटिंग जब तक चलेगी तब तक करनी ही पड़ेगी। थोड़ा मूड अच्छा हो गया था, मेले में घूमा, काफी इंजॉय किया, वहाँ पे अपने पुराने यार दोस्त भी मिले और बचपन की यादें भी ताजा हुई, किस तरीके से हम जो थे बचपन में लाइक फन मस्ती, उन दिनों की बात ही कुछ अलग थी मेलों की। अभी के टाइम में जो है क्राउड वगैरह कुछ थी नहीं वहाँ पे, तो कुछ मन सा नहीं लगा मेले में और ज्यादा खाया पिया भी नहीं कुछ, जस्ट थोड़ी देर घूमे 1-2 घंटे और उसके बाद सीधा आ गए थे घर। मम्मी के लिए कुछ नहीं लाया, आपने सुना होगा मम्मी बोल रहे हैं कंप्लेन कर रहे थे, बट इनके लिए लेके आना था मैंने, बट आपको पता ही है वो जो चला हुआ दादी को उसकी वैसे मैं नहीं लेके आया। आपने फुल सपोर्ट करनी है, मोस्टली जो है बिल्कुल कंटेंट चेंज भी होने वाला है, कॉज अभी थोड़े टाइम बाद हमारा जो है मे बी गाने का शूट भी शुरू हो, उससे पहले रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, बट प्लान बन रहा है कि गेहूं की कटिंग के बाद जो है हम अपनी रैप सॉन्ग की रिकॉर्डिंग शुरू करें, और काफी टाइम हो गया पिछले 3 महीने से कोई भी गाना ड्रॉप नहीं किया है, तो एक गाना ड्रॉप करें बहुत हार्ड वाला, ट्रिपल आर टीम जो है वो बहुत जल्दी आपके लिए एक खतरनाक वाला हार्ड वाला रैप सॉन्ग लेके आएगी, तो बहुत जल्द जो है हम एक अच्छा सा रैप सॉन्ग भी लेके आएंगे अपने दूसरे चैनल पे ऋषि बाबा पे। तो बाबा लोग चैनल को फुल पावर सपोर्ट करो और इस चैनल को फुल पावर सपोर्ट करो। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, लव यू ऑल, जय शंकर।